हाय फ्रेंड्स, मैं हूं जेसन रवि और आज हम रिव्यू कर रहे हैं एक्सेल एंटरटेनमेंट की फिल्म फोन भूत को। तो रागिनी यानी कटरीना कैफ जो कि भूत है, मेजर और गुल्लू यानी सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर दो बेरोजगार लड़कों से मिलती है और मोक्ष ना मिले हुए भूतों को मोक्ष दिलाने का अच्छा काम करने का बिजनेस सजेस्ट करती है। दूसरी तरफ आत्माराम है जो जैकी श्रॉफ है और फिल्म का विलेन है। वो लोगों के आत्मा को मोक्ष दिलाने के बदले उन्हें बोतल में कैद कर लेता है, क्यों ये पता नहीं। आत्माराम रागिनी मेजर और गुल्लू के बिजनेस से खुश नहीं है क्योंकि उसका खुद का बिजनेस डाउन हो रहा है, इसलिए उन्हें रोकने के लिए वो कोशिश करता रहता है। जैसे मेजर और गुल्लू का बिजनेस बढ़ रहा है, रागिनी अचानक उनसे पर्सनल हेल्प मांगती है जहां उसके फियांसी जो कि आत्माराम की कैद में है उसे छुड़ाना है। फिल्म लिखी है रविशंकर और जसविंदर सिंह बाथ ने। ये फिल्म स्पूफ है और जैसा नाम फिल्म का दर्शाता है तो उसमें सेंस ढूंढने का मतलब नहीं है। फिल्म फर्स्ट हाफ में आपको हंसाने में कामयाब होती है और जो गैग्स राइटर्स ने बनाए हैं वो लोगों को हंसाते हैं। सेकेंड हाफ में लेकिन वो गैग्स बोर करने लगते हैं क्योंकि राइटर्स ने फ्लाइट ऑफ फैंसी यानी उड़ान गप्पों की इतनी ज़्यादा ले ली कि स्पूफ होने के बावजूद फिल्म लय से बाहर हो जाती है और बोरिंग लगने लगती है। इलॉजिकल जुमले, एंटीडोट्स, पास्ट फिल्म्स, एड फिल्म्स, इस पेट्रोल नहीं चाहिए, इस कॉस्ट्यूम का कुछ करना पड़ेगा जैसी चीज़ों का हंसाने में यूज़ किया है। और ये सिर्फ हाई जेंट्री मेट्रो वाले लोगों को ही समझ आएंगी, बीसी सेंटर्स के लोगों को तो इस समझ में भी नहीं आएगा। सेकेंड हाफ में तो स्क्रीन प्ले बहुत वीक हो जाता है। डायलॉग्स पर आप कितना खेल सकते हैं जब स्टोरी स्क्रीन प्ले खराब हो जाए। वीएफएक्स और प्रोस्थेटिक्स भी नकली लगने लगते हैं। कटरीना कैफ फिल्म में प्लास्टिक लग रही हैं पर जैसे तैसे डिलीवर कर देती हैं। बेस्ट मेजर और गुल्लू यानी सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर का काम है क्योंकि वो इतनी थिन लाइन की कहानी को अपनी एनर्जी और कन्विक्शन के साथ खींचते हैं। शिवा चड्डा जो चिकनी चुड़ैल का काम करती है वो बेस्ट एक्टर है इन सब में। जैकी और बाकी के सब एक्टर्स ने अपना काम अच्छा किया है। डायरेक्शन गुरमीत सिंह का है और उन्होंने स्पूफ को अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। शॉट्स क्रिस्प हैं पर जब स्क्रीन प्ले डायलॉग्स ढीले हों तो फिर कोई डायरेक्टर फिल्म को नहीं बचा सकता। म्यूजिक अच्छा है, हालांकि दो गाने रीमिक्स हैं, किन्ना सोना और काली तेरी गुत, और कोरियोग्राफर ने काम अच्छा किया है। कैमरामैन के यू मोहनन ने भी अच्छा कड़क काम किया है। तो बेसिकली सबने काम अच्छा किया है, बस स्टोरी स्क्रीन प्ले ने काम खराब कर दिया है इस फिल्म का, और वो काम सबसे बड़ा होता है जिसकी जिम्मेदारी प्रोड्यूसर और डायरेक्टर की होती है, खास तौर से प्रोड्यूसर की जो उसमें फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी है, फिल्म उनकी है। मेरे हिसाब से ये फिल्म शायद ही रिकवर करेगी और जो थोड़ा बहुत करेगी वो बड़े शहरों से कमाएगी, बाकी के हिंदुस्तान में ये समझ भी नहीं आएगी। मैं पर्सनली राय नहीं दूंगा कि आप देखें या ना देखें, रिव्यू से जो समझ आए वो करिए। ओपनिंग फर्स्ट डे में फिल्म की ओपनिंग बहुत छोटी और कमज़ोर है। तो ये था फोन भूत का रिव्यू, कैसा लगा आपको नीचे प्लीज़ लिख के कॉमेंट्स में आप बताएं, और रिव्यू समझ आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी करें। मैं जेसन रवि जल्दी ही मिलूंगा नए फिल्म टीजर्स, ट्रेलर और पिक्चर रिलीज के रिव्यू के साथ। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।